टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स के साथ मैं शिवेंद्र स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। टोक्यो ओलंपिक का 12वां दिन भारत के लिए निराशाजनक रहा। आज भारत ने सिर्फ 5 स्पर्धाओं में भाग लिया। दिन का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला पुरुष हॉकी का था, जिसमें भारत को 2-5 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम अभी पदक के दौर से बाहर नहीं हुई है। अब भारतीय टीम 5 अगस्त को कांस्य पदक के लिए जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम 1972 के बाद पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। 1980 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय टीम को तब से हॉकी में अपने ओलंपिक मेडल का इंतजार है। आज भारत के स्टार शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर भी फाइनल की रेस से बाहर हो गए। वहीं रेसलिंग में भी सोनम मलिक को हार मिली। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। नमस्कार।